नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। काफी बच्चों के क्वेरी थे कि सर जो EMRS एकलव्य विद्यालय हैं ये कहां कहां पे हैं और हम अगर एग्जाम दे लेते हैं तो हम पास कर जाते हैं तो हमारी पोस्टिंग क्या होगी, कैसे इसकी वैकेंसी जो है आएगी और आखिर लास्ट में हमें कहां पर नियुक्ति मिलेगा, ये कई क्वेरी थे। तो मैं आपको लिस्ट ही दिखा दूंगा कि आपके किस किस राज्य में कहां कहां पर आपके ये एकलव्य विद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में कितने विद्यालय हैं, उत्तराखंड में कितने हैं, बाकी राज्यों में कितने विद्यालय हैं, उसकी पूरी लिस्ट जो अभी रिसेंट की लिस्ट है वो मैं आपको दिखा दूंगा, वहीं आपकी पोस्टिंग होगी। और उम्मीद यही है कि जैसे आपका पिछली बार की एक तरह से बोला जाए कि क्या हुआ था कि जो वैकेंसी आई थी पिछली बार वो आपकी स्टेट वाइज आई थी और स्टेट वाइज ही कट ऑफ निकला था, ठीक। तो चांसेस तो यही है कि इस बार भी आपका स्टेट वाइज हो, और ये तो मैं नहीं मनाऊंगा, लेकिन मैं तो ये मना रहा हूं कि आपकी जो वैकेंसी आए वो स्टेट वाइज ना आए, क्योंकि स्टेट वाइज आने से थोड़ी दिक्कत हो जाती है बाकी बच्चों की जहां पर विद्यालय नहीं है, ठीक है। अगर वैसे आती है जैसे KVS और NVS की आती है तो सबके लिए उचित रहेगा। तो चांसेस देखिए क्या होता है कि पिछली बार का अगर हम दिखाया रिकॉर्ड जो बताएं वो तो आपकी स्टेट वाइज थी, ठीक है। तो अभी मैं बताऊं कि आप लोगों की पोस्टिंग कहां हो सकती है, कहां कहां आपकी नियुक्ति मिल सकती है, क्योंकि अगर यहां पर हम विद्यालय की बात करें कि यूपी में कहां कितना विद्यालय है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जैसे आप लोगों ने पोस्ट पे देखा है कि एक पोस्ट पर EMRS चाहिए, मतलब एक विद्यालय के लिए चाहिए, वहां साफ साफ लिखा है। तो अब ये जब स्टेट वाइज डिवाइड हो जाता है तो बहुत संख्या कम हो जाती है, लेकिन ये ऑल ओवर रिपीट होता तो बहुत अच्छी बात हो, ठीक है। तो जिन बच्चों को TGT PGT के पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड की तैयारी करना है, टीम परीक्षा प्लस इसका कोर्स आपको लॉन्च कर दी है, आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करके वहां से ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। इसमें रजिस्टर करने के लिए आप क्या क्या मिलेगा ये देख लीजिए, मात्र 499 प्लस GST है, पूरी लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड आपको मिलेगी, स्टडी मटेरियल होगा और सेक्शनल टेस्ट सीरीज रहेगा, डाउट सेशन रहेगा और कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी। अब हम आते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहां होगी। चलिए अभी हम बता दें आपकी पोस्टिंग जो है वो कहां कहां पे हो सकती है और विद्यालय कहां कहां पर आपके हैं। चलिए ये आपके विद्यालय का जो है लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंटियल स्कूल इन इंडिया, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा क्लियर, हाँ क्लियर दिख रहा होगा। चलिए अगर हम बात करें यहां पर देखो, ये आंध्र प्रदेश सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में पूरा एक से लेकर 26 विद्यालय आपके कहां पे, अभी और होंगे अगले पेज में, ये AP में है, ठीक है। ये कहां पे और सबके सब फंक्शनल है, सब कार्यरत हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से अगर हम बात करें यहां पर देखो 26 क्यों, आंध्र प्रदेश आप सॉरी आंध्र प्रदेश हाँ यहां तक 26 है, ठीक है। उसके बाद से आपका 26 और यहां तक है, 28 विद्यालय है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद से आपका अरुणाचल प्रदेश आ गया है, अरुणाचल प्रदेश में आपके टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यालय आपके टोटल यहां पर हैं, ठीक है। 10 विद्यालय आपके अरुणाचल प्रदेश में हैं, ये ध्यान रखिएगा। अलग अलग जगहों पर किस डिस्ट्रिक्ट में है, ब्लॉक कौन सा लगता है और नाम क्या है स्कूल का, वो भी आपका दे दिया गया है। फिर असम में है, आप देख रहे हो कि असम में आपके हैं यहां पर, ठीक। उसके बाद से आप देखो बिहार में भी है, ऐसा नहीं है कि बच्चे बोल रहे थे कि सर बिहार में नहीं है, बिहार में भी आपके 3 विद्यालय हैं लेकिन अभी नॉन फंक्शनल हैं, तो ये ध्यान रखिएगा अब इसका फंक्शनल स्टार्ट हो जाएगा, ये अब फंक्शन में आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। बिहार वाले 3 बिहार में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1 2 3 4 5 6 7 8 विद्यालय आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो अच्छा खासा यहां पर भी पोस्ट आपको मिलेगा और सभी के सभी क्या है, फंक्शनल हैं, सभी कार्यरत हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें देखो छत्तीसगढ़ में और भी है, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो देखो छत्तीसगढ़ में काफी संख्या में आपका विद्यालय है, क्योंकि ये ट्राइब्स एरिया है और ट्राइब्सों के लिए ही आपका एकलव्य विद्यालय बनाया गया था, ठीक है। उन्हीं के होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, कि वो शिक्षा में भी हो,
खेलकूद में हो, इसीलिए ये रेसिडेंटियल स्कूल है, ठीक है, एनवीएस की तरह है। हाँ, यहां पर आप देख ले छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स एरिया है, तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्कूल छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद से आप दादर नगर हवेली और दमन दीव की बात करो तो एक आपका स्कूल है जो कार्यरत में है ही है। फिर गुजरात में आपके हैं काफी स्कूल ठीक ठाक है, ठीक है, गुजरात में भी आपके काफी स्कूल है, यहां देख लीजिए गुजरात में अच्छे खासे स्कूल है। उसके बाद से अगर हम बात करें, यहां देखिए हिमाचल प्रदेश में भी है, जम्मू आपका जम्मू कश्मीर में भी है, झारखंड में भी है, झारखंड में भी अच्छा खासा स्कूल है आपका, ये देख रखिए झारखंड में भी, क्योंकि ये भी ट्राइब्स एरिया के अंतर्गत आएगा तो झारखंड में भी आपके अच्छे खासे स्कूल आपको देखने को मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड। उसके बाद से आप कर्नाटक को देख लो, फिर केरला में आपका है, फिर आपको देखो लद्दाख में भी है, तीन स्कूल तो है, मध्य प्रदेश एरिया में भी ठीक ठाक है, ठीक है, मध्य प्रदेश एरिया में भी अच्छे खासे स्कूल है, तो एमपी के बच्चे अच्छे खासे तैयारी करें। महाराष्ट्र में भी आपके अच्छे खासे देखिए स्कूल है, मणिपुर में भी है, ठीक है, ये तो ट्राइब्स एरिया जो है, मेघालय में आपका है, मेघालय में भी आपका जो ट्राइब्स एरिया है, मिजोरम में भी आपका स्कूल है, नागालैंड में भी है, ठीक है, तो यहां यहां आपको पोस्टिंग मिलेगी अलग अलग स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी आएगी तो, ठीक है। चलिए अगर बात करते हैं यूपी वाले बच्चों की, यूपी वाले बच्चे ओडिशा में भी काफी अच्छा खासा है क्योंकि ट्राइब्स ओडिशा में भी है, राजस्थान में भी आपकी वैकेंसी है और ठीक ठाक स्कूल है राजस्थान में, ठीक है, सिक्किम में भी है, तमिलनाडु में भी है, आपका तेलंगाना में भी है, तेलंगाना में भी आपके हैं, त्रिपुरा में भी है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपके एक दो स्कूल आपके और तीन चार, टोटल चार स्कूल आपके उत्तर प्रदेश में है, एक बहराइच में है, खेरी में है, ललितपुर में है और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये चार स्कूल आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड में देहरादून में दो है आपके और एक उद्धम सिंह नगर में है, मतलब यहां पर आपका दो दो चार इसमें भी स्कूल है आपके, कहां, उत्तराखंड में, ठीक है, चार स्कूल इसमें भी है, उद्धम नगर में दो है और दो देहरादून में है, ये ध्यान रखिएगा उद्धम सिंह नगर में। उसके बाद से आप देखो वेस्ट बंगाल में है, तो ये 690 की यहां पर लिस्ट है, तो आप ध्यान रखिए कि इसमें आपका जो भी दिया गया है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल से नहीं मतलब है, आपकी जितनी पोस्ट है वो सब भरी जाएंगी, और ये अगर स्टेट वाइज आता है तो जैसा मैंने बताया कि जहां ज्यादा स्कूल होगा वहां वैकेंसी ज्यादा रहेगी, ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि वहां सीधे सीधे वैकेंसी पर लिखा हुआ है वन ईएमआरएस, मतलब कोई भी वैकेंसी आपकी चाहे टीजीटी की हो चाहे पीजीटी की हो, जितने भी टीचर हैं हर सब्जेक्ट के, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इतने टीचर एक ईएमआरएस के लिए चाहिए, चाहे जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें भी यही सब चीजें लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको कहां कहां पोस्टिंग मिल सकती है, उत्तर प्रदेश में चार जगह है, एक आपका बहराइच है, दूसरा आपका कहां पे है, हाँ सोनभद्र में है, खेरी में है और ललितपुर में है, ठीक है, यही तो चार थे आपके, हाँ यहां कहां गया एसटीयू, यही तो उत्तर प्रदेश में, यहां देखिए सोनभद्र, ललितपुर, खेरी और बहराइच, ये चार स्कूल है, तो यहां पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आपको तो एक ही सीट लेना है ना, आपकी तैयारी तो ऑलरेडी केवीएस से चल रही है, इससे पहले एनवीएस में किया, केवीएस में किया और ये विद्यालय आ गया, तो आपको एक पोस्ट लेना है, आप एक सीट के लिए सोचिए, आप इतना मत सोचिए कि आप सोचो कि बस मुझे अपनी सीट से मतलब है, बाकी वैकेंसी लाखों में हो चाहे एक सीट हो, ठीक है, मुझे बस सिलेक्शन लेना है, ये सोच के आप तैयारी करिए। और कोई भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, जो भी आपके प्रश्न होते हैं उसी पर मैं वीडियो बनाता हूं। जितने भी बच्चे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का पूछ रहे थे वो ऑलरेडी मैंने टीजीटी की वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, आप देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डीएलएड वालों को मैंने कई बार बोल चुका कि वो डीएलएड हो चाहे बीटीसी हो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।